दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की राजधानी समय समय पर बदलती रही है। जब भारत पर अलग अलग राजाओं ने राज किया तो उनकी राजधानी भी अपने पसंद की होती थी, लेकिन इसके अलावा आधुनिक भारत की भी राजधानी कई बार बदल चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की रह चुकी राजधानियों के बारे में बताएंगे। कौन कौन से हैं वो शहर, जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं सादत इसार, स्वागत करता हूं आपका खबरपुरी में। दोस्तों, वैसे तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र, जो अब पटना बन चुका है, गोवा, मथुरा, तक्षशिला आदि राजधानी रही है। हम आपको बता रहे हैं आधुनिक काल की राजधानियां। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम आता है प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। 1858 में इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी बनाई गई थी। अगला नाम आता है शिमला का। 1864 से 1939 तक शिमला को समर कैपिटल बनाया गया था। शिमला के बाद देश की राजधानी बनने का सौभाग्य कोलकाता को प्राप्त हुआ, जो 1911 तक रहा। फिर 1911 में देश की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया, जिसकी औपचारिक घोषणा 13 फरवरी 1931 को की गई। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएँ। धन्यवाद।